जी कितनी सिमिलरिटी है, काफी हैंडसम दिख रहे हैं शो में, इस वीडियो में आप। जी नहीं, शो में भी हैंडसम ही दिखता था मैं मेरे शो में। और थैंक यू, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और गाना है आप खुद देखेंगे तो बहुत पसंद आएगा। तू चाहिंदा जो गाना है, आई गेस हर इंसान बहुत स्वीटली अपने आप को रिलेट कर सकता है, बिकॉज हर इंसान के, चाहे वो कपल हैं जिसकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, वो वन साइडेड लविंग में बिलीव करते थे, तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते लेकिन बयां हो जाते हैं, डेफिनेटली एक्सप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो बहुत मज़ा आया और एक्साइटमेंट हो रहा है, बिकॉज मैम के साथ में मैंने एक और गाना पहले कर रखा है और तब हम लोग भाई बहन थे लेकिन जो देव नेगी जी ने गाया था और मैम ने गाया था, तो एक गाना जब मैं गया मैम से मीटिंग की मैंने और ऑडियो मैंने सुना, तो मैंने पहली बार में बोल दिया था कि मैम बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आई वुड लव टू फीचर इन इट, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और टच वुड उसका हिस्सा बना। मैम एग्री की और मेरे साथ में काम किया और बहुत अच्छा गाना बाहर आया। सर अभी तो आई गेस इट डिपेंड्स ऑन सॉन्ग टू सॉन्ग, दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड चाहे टीवी एक्टर हैं या फिल्म एक्टर हैं आज की डेट में, तो बिकॉज आई हैव डन टीवी एंड आई रिसेंटली आई फिनिश्ड 7 फिल्म्स आफ्टर लॉकडाउन, तो आई डोंट थिंक लाइक दैट कि अभी कुछ डिफरेंस आ गया है, बट येस डेफिनेटली अगर गाना अच्छा होता है और पिक्चराइजेशन अच्छा होता है, खूबसूरत दिखता है, खूबसूरत हमें कानों में हमें सुनाई आता है, तो गाना डेफिनेटली चलता है। तो इवन इन स्पाइट ऑफ द लेबल्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव, अभी बिकॉज वी हैव इन टॉक्स लेबल्स का कि हम किसके थ्रू रिलीज़ कर रहे हैं, वट एवर जो श्रुति मैम का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा, बट गाना अगर अच्छा है और सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ही होता है सब चीज़ें। आप दोनों का टाई अप है जार को, और आपका क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर और जुबेर जी के साथ जो टाई अप हुआ है इसके बारे में? हमारी दोनों की एक साल से पहचान है, जो हमने फर्स्ट सॉन्ग किया था जी मिलजुल के, और अभी ये सॉन्ग जब जब जुबेर सर ने जुबेर ने सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, और हमने दोनों ने टाइप करके ये सॉन्ग आगे लेके एग्जीक्यूट किया जी। जी आपने भी गाना गाया है इसमें, yes. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का गाना है और किस तरह का मूड है गाने का? ये पंजाबी सॉन्ग है, मतलब 90% तो पंजाबी वर्ड है, और ये बहुत प्यारा और लवली सॉन्ग है, मतलब लव एंगल का है, जो भी कोई बोल नहीं पा रहे लेकिन मन में रहता है वो सब हमने दिखाने की कोशिश की है। बहुत अच्छी केमिस्ट्री, हमारी दोस्ती भी अच्छी है, और ये जो सॉन्ग में हमने दिखा है कि एक साइड से देख रही है वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर ख्यालों में है, अपने ख्यालों में, जैसे अभी आपने देखा जो मतलब ग्रीन रेड चिलीज रखी है और उसके ऊपर चल रही है, मतलब एकदम बेभान तरफ है कि समझ में नहीं रहे क्या करे, इस टाइप का अच्छी केमिस्ट्री दिखाई है। फिर मन में सोचना कि मेरे लिए तू ये करना वो करना, बिंदिया लगाना चूड़िया लगाना वैसे टाइप, तो उस मतलब बहुत कुछ उम्मीदें रखती है लड़के से कि तू मेरे लिए करना है तेरे। कितना कंफर्टेबल था आपके एक न्यू कपल के साथ काम करना, मतलब क्या कहना चाहिए, आपने काफ़ी सोच की है, काफ़ी पुराने तो नहीं कह सकते, हाँ नए भी नहीं कह सकते जी। देखिए मैंने जितने भी अब तक शोज़ किए हैं, फिल्म्स की हैं, प्राजक्ता का एग्जीक्यूशन बहुत हमें लगता है, जब मैंने उनके साथ काम किया, पहले भी एक गाना किया था बट हमारे सीन्स नहीं हुए थे साथ में, हाँ। तो इतना ज़्यादा केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, बट यहाँ इस गाने में बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखेगी आपको, और शी इज़ वेरी गुड लिसनर, मतलब हम जो बिकॉज इस गाने में मैंने कुछ डायरेक्शन भी किया है कोरियोग्राफर सर के साथ मिलके, तो जो मैंने समझाया वो बहुत आसानी के साथ में उसको अडॉप्ट करके एग्जीक्यूट किया है, तो आपको लगेगा नहीं कि ये इतनी समझदार हैं। दोनों प्रोड्यूसर हैं सामने बैठे हैं, दोनों आर्टिस्ट भी हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कहें, टाइप कितना लंबा जाएगा? नहीं डेफिनेटली ये तो शुरुआत है और बहुत ज़्यादा आगे हम लोग काम करने वाले हैं। ये गाना ऑफिशियली तो दूसरा सॉन्ग है, बट ऑफिशियली एज कोलैबोरेशंस में हमारा पहला गाना है, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह हम लोग बहुत आगे काम करेंगे, क्योंकि ये गाना आप लोग जब देखेंगे तो खुद ही बोलेंगे कि अरे ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, और ये किसने बनाया है, तो ये हम लोग ने बनाया है ऐसा है। श्रुति फिल्म्स कंबाइन के जो प्रोड्यूसर है या प्रोपराइटर है, उनका मैं मिस्टर हूँ,
हस्बैंड हूँ। और क्या कहना चाहिए इस मौके पर आज आप? इस मौके पर इतना कहूँगा कि मेरी मिसेज श्रुति जी को, मेरे वाइफ को, जब से हम आए हैं मतलब, तो उनको बहुत हिंदी सॉन्ग्स गाने का शौक़ था। मैं जब भी सुबह काम से निकलता था, फिर वो मेरा सब टिफिन वगैरह भरने के बाद मैं निकलता था, तो वो कुर्सी में बैठ के लता जी के गाने गाती थी, हमने सनम को खत लिखा वगैरह वगैरह। तो इनको बहुत पैशन था कि मैं कुछ गाऊँ, बल्कि मैंने उनके ये पैशन पे, उनका जो हॉबी है उनके ऊपर, मैंने ऐसा इतना ध्यान नहीं दिया नज़दीकी से, लेकिन उन्होंने आज प्रूव कर दिया कि मैं कुछ हूँ, मैं इसमें कुछ इस फील्ड में हूँ। और इट इज़ प्राउड टू मी, मुझे बहुत अच्छा है, गर्व लगता है कि ये बच्चों को संभालते संभालते आज यहाँ इस अंधेरी जिस मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके और यहाँ ऐसे पेश किया है खुद को। डेफिनेटली, तो डेफिनेटली इट इज़ प्राउड टू मी और मुझे बहुत अच्छा लगा है।